तक डेवलप नहीं है. वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इज द लैकिंग ऑफ द एजुकेशन अमंग द जेंडर, आई मीन टू से अमंग द फीमेल्स, अमंग द गर्ल्स, अमंग द वुमेन. दिस इज द रीजन कि सिर्फ एक ही जेंडर को जो है वो मौका मिला प्रोग्रेस करने का, एंड रेस्ट ऑफ द 50% पॉपुलेशन जो है उसका भी लोड जो है उसी के ऊपर पड़ने लगा, एंड द स्पीड ऑफ द यू कैन से द प्रोग्रेस इट वॉज रिड्यूस्ड. तो जिसके नतीजे में आज कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि हमें अगर पूरी तरह से प्रोग्रेसिव होना है, बैलेंस्ड होना है, समाज को बैलेंस्ड तरीके से प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ एक जेंडर के प्रोग्रेसिव होने से नहीं चलेगा, एक जेंडर के आगे बढ़ने से नहीं चलेगा. अगर हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को, हमारी सोसाइटी को जो है नेक्स्ट एवोल्यूशनरी फेज में बराबर प्रोग्रेस में या बैलेंस के साथ में ले चले, तो इट इज मस्ट दैट द एजुकेशन ऑफ दिस जेंडर इट शुड बी गिवन टू ऑल द फीमेल्स, टू ऑल द गर्ल्स. ठीक है, तो इसी के नतीजे में ये सारे प्रोग्राम्स, ये अवेयरनेस कैंपेन्स जो है चलाए जा रहे हैं, जोरों शोरों से चल रहे हैं, सभी बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब है कि आधा काम जो है हाफ वर्क डन हो गया. अगर आप अवेयर होंगे, अगर आप जागरूक होंगे, तो आधा काम तो जागरूकता से ही हो जाता है. ठीक है, तो उसी अवेयरनेस के चलते ये प्रोग्राम है. और मैं स्टेज पे अभी इसी तरीके के सिलसिले में ओमकार सर को दावत दूंगी कि वो आएंगे और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से आई हुई टीम के जो मेहमान हैं उनके बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. कहा कि आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसका है गर्ल एजुकेशन एंड जेंडर इश्यूज. तो ये एनसीईआरटी की तरह से स्कीम जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रही है और हमारे तीन डिस्ट्रिक्टों को जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो राकेश सर है इनकी रेख रेख में होते हैं. तो ये जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, सोशल इवल्स और इरेडिकेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी जो है हमारे समाज में उसके ऊपर काम कर रहे हैं. और आज ये जॉन भाला में जो है तो पहली बार आए हुए, तो मैं चाहूंगा इनके लिए और इनकी टीम के लिए आप जोरदार तालियां से जो स्वागत कीजिए. तो राकेश सर की मैं बात करूंगा, इन्होंने इसके साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी है, समाज की सेवा भी करते हैं. इन्होंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया है और उनका जो एक्सपेंसेस है जितना भी स्टडी का है वो ये खुद उठाते हैं. तो पीछे कुछ बच्चे जो है कुछ पीड़ित थे किसी बीमारी से, तो उनके लिए भी इन्होंने काफी जो है डोनेशन दी हुई है. और ये जहां भी स्कूलों में जाते हैं इन्होंने अपनी तरफ से काफी जो है स्कूलों को आइटम्स बच्चों को डोनेशन दी है. तो मैं इनको सल्यूट करता हूं कि जो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज यहां पे पधारे हुए. हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आए शहर में तो शहर भर अच्छा लगा. तो थैंक यू. कि मैम ने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आज इस प्रोग्राम के रूहे रवां राकेश चव्हाण सर, जिनका ओमकार सर ने आपको तारुफ दिया कि ये बच्चों के तहीं कितना काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस टीम को जोड़ रहे हैं. राकेश सर वो बोलते हैं ना, मैं अकेला जा रहा था जानिब मंजिल, कारवां बढ़ता. कुछ चंद बातें मैं आपकी नजर करूंगा. मैं टीचर हूं, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल भभौर में मेरी पोस्टिंग है. मैं भी एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ, वहां पे बरत कहते हैं, शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो, डोडा से 25-26 किलोमीटर दूर है. गवर्नमेंट स्कूल में मेरी भी पढ़ाई हुई है आपकी तरह, लेकिन आपका स्कूल माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मुझे क्या, मेरे साथ जितनी भी टीम है हमें ये गांव भी बहुत अच्छा लगा, इलाका भी बहुत अच्छा लगा. ये स्कूल खलैनी टॉप से हम इसको देखते थे, लेकिन हमारी भी खुशकिस्मती है कि आज हमें यहाँ आने का मौका मिला और आप सबसे हम इंटरेक्ट हुए यहाँ पे. तो आपकी यहाँ बहुत अच्छी इमारतें भी हैं, इतना अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ क्लासमेट्स हैं यहाँ पे मेरे, मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे है, लेकिन आके मेरी मुलाकात भी हुई. तो आप अच्छे हैं, आपके टीचर्स भी अच्छे हैं, एक खुशनसीबी है आपकी, आपका स्कूल भी अच्छा है,
लोकेशन भी अच्छी है। मेरे कहने की गरज सिर्फ ये थी कि मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ आपको कि आजकल बताया जाता है कहाँ पढ़ते हो, गवर्नमेंट स्कूल में। कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ लोगों ने पूछा भी नहीं होगा, फिर क्या एक एक सोच पैदा हुई है कि नहीं पता नहीं प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कूल में सबसे अच्छे टीचर्स हैं। मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अकीदा है जो पूरा नहीं होता। चाहे हम जेंडर की बात करें, आज की लड़कियां, मेरा तो ये मानना है कि बच्चियां ज्यादा पढ़ती हैं। मैं जिस स्कूल में हूं मुझे बच्चियों की तरफ से बड़ा आराम है, बड़ी राहत है, वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करती हैं। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा जोर देना पड़ता है लड़कों पर, उनको ज्यादा समझाना पड़ता है। लड़कियां बच्चियों के अंदर सिंसियरिटी ज्यादा है। आज की बच्ची नहीं मानती है इनइक्वलिटी, वो नहीं मानेगी, अलबत्त कहीं कहीं जगह पे अभी ऐसा है। आज की बच्ची अपना हक लेना भी जानती है, अपना हिस्सा लेना भी जानती है, अपने आप को एजुकेट करना भी जानती है, थोड़ा सा शेप करने की जरूरत है। तो बच्चा तो आपको खुद करनी है, और कामयाबी की मंजिल के लिए आपको पैदल जाना है, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जोश के साथ, वलवले के साथ, और एक इरादे के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुसम्मम इरादा। कौन सा इरादा? आप कि मंजिल पे पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है तो कांटों से न घबरा। छोटी मोटी चीजें जिंदगी में मैंने आपको कहा ना आती हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचना है तो कांटों से न घबरा, कांटे तो बढ़ा देते हैं रफ्तार कदम और। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये थे सज्जाद मलिक साहब, जिन्होंने अपने शब्दों से आप सभी बच्चों को इंस्पायर करने की कोशिश की। राकेश शरण सर को दावत दूंगी कि वो आए और आप सभी बच्चों को अपनी बात से इंस्पायर करने की कोशिश करें। कि नामी बगैर मशक्कत कोई हुआ नहीं, नामी बगैर मशक्कत कोई हुआ नहीं, अकीक जो सौ बार कटा नगीन हुआ। डायनेमिक, और आपको इनकी स्पीच से ही पता चला होगा, रिस्पेक्टेड उषा मैम, जिनका मैं निजी उनका काफ़ी ऑनर करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि इंसान की शक्लो सूरत से नहीं उसके काम काज से इंसान इंस्पायर होता है, और इनके काम काज से मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाता हूँ। आपके बीच में आपके ही यहाँ मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर जे एन वी में हम लोग पढ़े हुए हैं, मेरे सीनियर हुआ करते थे, क्लास आगे थे, यहाँ के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, अब ये प्रमोट होके लेक्चरर बने हुए हैं, काफ़ी अपराइट इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं, डेडिकेशन है इनमें। तो रिस्पेक्टेड ओमराज ओमकार जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आपके सामने यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पे क्या लिखा है? NCERT SCERT। हाथ खड़ा करके आपस में जो है बातचीत ना करके हुए NCERT की कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? National Council Education of Research and Training। समझते हो जेंडर कितने हैं? जेंडर कितने हैं? 3 सर। कितने हैं? गर्ल्स बॉयज एंड ट्रांसजेंडर। बॉयज गर्ल्स और ट्रांसजेंडर, 3 बच्चे। तो जेंडर मतलब आए दिन जो है डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ में होता है, चाहे छोटी छोटी सी चीज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घरों में हो, तो फीमेल्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको ग्रेड 2 सिटीजन का दर्जा दिया गया है। कपड़े धोने आते हैं? आपको आते हैं? इनको आते हैं। खाना बनाते हो? है? बनाते हो? सारी चीजें आती हैं। राजमाश कैसे बनाते हैं? प्याज डालने के बाद में सामने। अच्छा ठीक है। अब देखो इस बेटी ने कितना सिक्वेंसली बता दिया कि पहले बॉइल करेंगे, फिर जब बॉइल हुए तो फिर उसके बाद मसाले वसाले ये वो सारा कुछ सीक्वेंस बताया। ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ करके ये बोलते हैं पहले प्याज ये उसको तेल में डालेंगे, फिर बाद में पानी डालेंगे। तो आपने क्या पाया, आपको क्या लगा?
कि पेरेंट्स ने ज्यादा जिम्मेवारियां बचपन से किसको दी है? लड़की को दी, दी है ना? यस सर। लड़की को दी है, तो इनको जो है तो राजा बना के बैठा था, ये डायरेक्ट तेल में राजमास डालते हैं, ठीक है ना? तो है ना ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। मैंने इनको पूछा, मेरे कपड़े धोने आते हैं? कहते बिल्कुल नहीं जी। तो बेटी को कपड़े भी धोने आते हैं। इंग्लिश में सिन क्या हुआ? सिन पाप। सिन क्या हुआ? पाप। पाप क्या हुआ? पाप। ये पेन मेरी तरफ से। थैंक यू सर। सिन हुआ पाप। सिन क्या हुआ? और माँ क्या हुई हिंदी में? माँ, मदर सर। मदर। तो पाप की माँ कौन है आज? मोबाइल। मोबाइल है, सिनेमा है। इसको बड़ा कम देखिए, बहुत कम देखिए। अगर देख सकते हो तो पॉजिटिवनेस देखिए इसमें, ठीक है? इसमें पॉजिटिविटी को देखिए, ऐड आती फिल्मों के बीच में। देखो ना ऐड, जब किसी बाइक की ऐड देनी है, भारी काम की ऐड देनी, तो कौन आते हैं आपके बीच में? सलमान खान जाते हैं, बड़ी मसल मसल लेके आते हैं, कभी कभी शर्ट भी खोल देते हैं, है ना? वो आते हैं और बाइक की ऐड देकर चले जाते हैं, या छलांग मारते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे पे, होता है ना ऐसा? तो लेडीज कब आती है? लेडीज आती हैं कब? वॉशिंग पाउडर किसमें आती है? ठीक बोलो मैडम, किसमें आती है? वॉशिंग पाउडर। या बड़ा बैड टच और गुड टच का कंसेप्ट है, बैड टच और गुड टच। बैड टच क्या हुआ? बैड टच क्या हुआ और गुड टच क्या हुआ? बैड टच वो हुआ कि जहां पर आपको लगे कि आपको ऑब्जेक्शन है, आपके बॉडी पार्ट्स के साथ में कोई अगर टच कर रहा है जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कहीं ठोकर लगी और आपको हो गया बैड टच हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट आपके साथ कर रहा है, उसको बोलेंगे बैड टच। क्या बोलेंगे इसको? बैड टच। और गुड टच, जैसे मान लो आप आगे जाओ, जैसे देखो मैं टच कर रहा हूँ इसको, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। तो उस बच्चे को फील हो रहा है कि ये गुड टच कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हुआ गुड टच, इसको बोलते हैं गुड टच, यानी कि पैट करना, शाबाशी देना, ये गुड टच। जब कहीं आपके साथ में कहीं बैड टच हो, यानी कि लड़कियों के साथ ही बैड टच हो सकता है, वो लड़कों के साथ में भी हो सकता है। तो एक बड़ा बड़ा एक खतरनाक स्ट्रिंजेंट कानून आ चुका है, उसको बोलते हैं पॉक्सो। क्या बोलते हैं उसको? पीओसी, एसओ, फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, कि बच्चों के साथ में अगर छेड़खानी हो, बच्चों के साथ में कहीं अगर अटेम्प्ट टू रेप हो, बच्चों के साथ में कहीं एडवर्टाइजिंग हो, बच्चों के साथ में कहीं मोलेस्टेशन हो, बच्चों के साथ में कहीं किडनैपिंग हो, बच्चों के साथ में कहीं बैड टच हो, तो ये कानून एकदम से लग जाता है पॉक्सो। ये कानून जो है वो 2012 में बना हुआ है। कब बना हुआ है? 2012 में बना हुआ है। कब बना हुआ है? 2012 में है। सेक्शन 3 के तहत अगर किसी भी बच्चे के साथ में ये सब चीजें हों, कहीं पर छेड़खानी हो, बैड टच हो, यानी ह्यूमिलेशन हो, इरिटेटिंग हो, तो वहां पर पॉक्सो एक्ट लगता है। ये बहुत खतरनाक कानून है और इसमें सेक्शन 4 के तहत इसमें जो है तो इसमें पुनिशमेंट्स जो है तो वो सेक्शन 4 सेक्शंस क्यों बनी होती हैं, अलग अलग सेक्शंस होती हैं, उनमें कानून बनाए होते हैं, उसी तरीके से पुनिशमेंट्स दी जाती हैं अगर दुरुपयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? नहीं, हर कानून के क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है? नहीं, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आपने कानूनों का इस्तेमाल जो है, अगर आपके साथ में बिल्कुल जनमन आपके साथ में कोई अगर वारदात हुई है, तब जाकर आप लोगों ने इन कानूनों का फायदा उठाना है, अदरवाइज ब्लैकमेलिंग के लिए बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं करनी है। तो बच्चों, मैं मुझे लगता है कि थोड़ा लेंथी जा रहा हूँ, बड़ा आगे मतलब ये टॉपिक जा सकता है, क्योंकि कानून की चीजें हैं, तो बहरहाल कानून बहुत सारे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप बच्चों ने जो है तो ये अवेयरनेस से सीखना है। उनके माइंड में वो अपने सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे एल्डरली पर्सन जो हैं वो इस तरह का कर रहे हैं, दिस मीन्स कि मेल मेंबर्स का ये काम है, फीमेल मेंबर्स का ये काम है, ठीक है? हमारी मम्मा जो है वो किचन में काम करती रहती हैं, सब काम वही करती हैं, बर्तन वो धोती हैं, सफाई वो करती हैं, हर एक चीज
तो कहीं ना कहीं ये मेल मेंबर्स का काम नहीं है। तो काम के आधार पे जेंडर्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया गया और इसी के नतीजे में आप लोग भी आगे जो है उसी तरीके से चलते हैं, वही सोच आप भी रखते हैं। तो आप में ये प्रोग्राम को होने के बाद में, हम सबको सुनने के बाद में, इस एटीट्यूड में अगर आपकी तब्दीली आती है, आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा मॉडिफाई होता है, तो इस सब का जो है फायदा रहेगा। आप रेस्पेक्टेड एवरीबॉडी, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज आपके सामने यहाँ पे जो भी टीम आई थी और जो भी लोग थे, उन्होंने आपको अवेयरनेस दी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, है ना। तो मुझे लगता है आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने एवरीबॉडी कहा मैंने, ठीक है ना, एवरीबॉडी में सारे लोग आते हैं। अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है तो इसलिए हमें वही वर्ड यूज करना है जिसमें हम सबको इक्वली ट्रीट कर सकें, ठीक है ना। तो जब हम इक्वली ट्रीट करेंगे, अगर हमारे अंदर ये भावना है कि हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग के मन में कोई गलत विचार चलते हैं, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखना है और अडॉप्ट करना है। एम्पथी एक ऐसा वर्ड है, जब आप दूसरे की जगह पर सोचते हो कि दूसरा क्या फील करता है। अगर आपके अंदर यह भावना है कि अगर आपकी सिस्टर काम कर रही है तो आप भी उसका हाथ बिठा सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो, आप अपनी मदर की हेल्प कर सकते हो, आप अपने फादर की हेल्प कर सकते हो, हर किसी की हेल्प करने की अगर भावना आपके अंदर डेवलप हो जाती है ना, तो ये इश्यूज ही समाज में नहीं रहेंगे। तो उस दिन हमारा समाज एक बढ़िया समाज होगा। उस दिन इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक्स के ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, हमें और भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतरीन बना सकें, इसके ऊपर हमें जोर देना है, हमें अच्छा सोचना है, अच्छा समझना है और अच्छा ही करना है। आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अच्छी बात चली है तो ये सब लोग निरोगी ही रहने चाहिए, है ना। तो फिर मैं वही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्, कि आप सभी सुखी रहें, तभी हम अपने समाज का कल्याण कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। यहाँ पे बहुत अच्छा बोला आज, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ वर्ड ऑफ थैंक्स बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक बात बोल दूंगा उससे पहले। हमारा ये गांव का इलाका है, यहां पे जो मेन बात है ना, जब लड़की की शादी की जाती है, उसके बाद जब प्रजनी बच्चे पैदा होते हैं ना, अगर उसको सिर्फ लड़कियां पैदा हुई तो उसपे इल्जाम लगाया जाता है, यानी पूरी फैमिली उसको इल्जाम लगाती है सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही। और ये आपको पता है, लड़की या लड़का पैदा होना ऊपर वाला ही करता है, लेकिन वो डिपेंड है मेल मेंबर पे। मुझे लगता है आपको ओमकार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा सेक्स डिटरमिनेशन। मेल के पास दो टाइप के हिटीरियोटाइप, हिटीरियोगैमेटिक, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और फीमेल के पास एक्स और एक्स है। तो फीमेल के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि वो लड़की करे पैदा या लड़का, जो जैसा क्रोमोसोम मेल देगा उसी हिसाब से प्रोजनी पैदा होगी, ठीक। तो आपने इस बात पे अगर कहीं घर में बात हुई, वो फीमेल मेंबर के पास कोई भी चारा नहीं है, सारा कंट्रीब्यूशन है मेल का, ठीक है। ये वाली बात, ये इल्जाम लगाना फीमेल पे बहुत गलत है। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। आई शाय लतीफ ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। I would like to thanks
प्रोग्राम एडवाइजर राकेश शवान साहब, हवित सर एंड अदर कमेटी मेंबर्स हु प्रोवाइड्स बिट बाय बिट नॉलेज ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. I requested all the committee members in near future, if such programs are in your hands, please preference should be given to HSS Muloti. Okay, thanks to all. Okay, सारे बच्चे स्कूल के सारे बच्चे लंच लेते हैं कि आज ये जो भी अवेयरनेस डिस्ट्रिक्ट टीम ने यहाँ पे दी इस अवेयरनेस को अपने घरों तक, अपने गांवों तक, अपने समाज तक पहुँचाएंगे और समाज में जितनी भी कृतियाँ हैं जिसमें डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, ड्रग अब्यूज है, इसके खिलाफ एक कंपेन चलाएंगे, लड़ेंगे, अवेयरनेस देंगे और एक अच्छा देश, प्रॉस्परियस देश, प्रोडक्टिव देश बनाएंगे. हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. भारत माता की जय. भारत माता की जय. जी बैठ जाइए.